हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। रिवीजन क्लास कर रहे हैं हम, क्लास 11th मैथमेटिक्स की, और करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के, देखते हैं वन बाय वन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड रेंज यहाँ पे फाइंड करनी हमें, और हमें अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये डोमेन दी गई है कि x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0, तो रेंज फाइंड करनी है हमें यहाँ पे। ओके, तो देखिए एक ऐसा फंक्शन है बेटा, ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना, और दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमारे पास जो y है फर्स्ट फंक्शन में, y इक्वल टू कितना है, 2 - 3x, क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ सर। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x की वैल्यू 0 से बड़ी दे रखी है, हमें क्या बनाना है, 2 - 3x। तो हम सबसे पहले -3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -3x हो जाएगा, आपको पता है कि लेस देन 0 हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। अब आपको 2 ऐड करना है दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया तो 2 - 3x, लेस देन इधर भी ऐड कर दिया तो 0 + 2, क्लियर? हाँ सर। तो 2 - 3x जो है लेस देन 2 आ चुका है। ओके, हाँ सर। तो आंसर ये है क्या, y है, इसी को एफ एक्स बोल सकते हो, लेस देन 2, तो y की वैल्यू 2 से कम आ रही है, मतलब जो रेंज बनेगी y बिलोंग्स टू -∞ to 2 ओपन, क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। ऐसे मतलब आपको फंक्शन डिज़ाइन करना है विद द हेल्प ऑफ डोमेन। इसी बात को मैं कहता था कि जो रास्ता होता है रेंज का, वो डोमेन को होकर के जाता है, क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही है ना बेटा? हाँ सर। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और देखा जाए तो जो x दे रखा है, x इज़ अ रियल नंबर, तो इसको हम y लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, सिंस x इज़ अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस मीन्स x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगी, बोलिए सर। हाँ सर। अब आप बेटा यदि किसी नंबर का स्क्वायर कर दो तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 पे सेट हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती? हाँ हाँ सर। तो माइनस मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की 0 to infinity, क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। क्योंकि भाई पहले x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, स्क्वायर करोगे तो लोएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये सुनो। यस सर। तो अब क्या करना है हमको, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस कि नो? हाँ सर। तो हमें बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस 2 ऐड कर दिया तो इधर भी 0 + 2, नाउ ये y बन गया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to infinite, क्लियर? हाँ सर। तो रेंज बन गई आपकी 2 to infinite, डन? हाँ सर। चलिए और बताइए, ये हो गया? यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी है इसमें, वो देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर, ओहो हो हो, तो जो वाई है वही एक्स है, इसी को तो आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं ना बेटा? यस। इसी को तो आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इट मीन्स वाई इक्वल टू एक्स, तो इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज दैट y belongs to real number, तो और real number, मतलब y belongs to -∞ to +∞, clear? हाँ सर। चलिए और कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में? हाँ सर। कौन सा? लास्ट सर, मिसकेलेनियस। पेज नंबर बताएं। एक सेकंड सर, पेज नंबर 16। पेज नंबर 16, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6, ओहो हो हो। फाइंड अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। अब डोमेन तो दे रखी है, आपको रेंज निकालना है, ठीक है? फंक्शन का टाइप ऐसा दिया गया है कि आप उलझ जाएं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट लिखने का तरीका ऐसा है कि आपको थोड़ा सा उलझाया जा सके, क्लियर? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है f का इनपुट x है तो आउटपुट ये है, यानी कि y आउटपुट हो गया, एंड y जो आउटपुट दिया गया है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर, क्लियर? हाँ सर। वेयर x बिलोंग्स टू R,
एक्स बिलोंग्स टू आर, क्लियर। यस सर। अब कह रहा है एक फंक्शन आर से आर में जा रहा है, मतलब ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, क्लियर। हाँ सर। आपको कह रहा है रेंज डिटरमाइन करना है, तो हमें देखते हैं रेंज कैसे निकलेगी। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं जानबूझ करके एक 1 ऐड कर रहा हूँ, एक 1 माइनस कर रहा हूँ, क्लियर है। ठीक है सर। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1। अब मैंने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 प्लस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर। हाँ सर। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, मतलब क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बोलिए हाँ है ना। हाँ सर। अब देखिए श्योर, इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट हो सकती है, ये सुनो। तो जब ये इन्फाइनाइट हो जाएगा तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा सर। 1 अपॉन इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 0। और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि एक्स, देखो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है टोटल बात कि ये कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो जिस समय एक्स स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा, मतलब ये कम से कम क्या हो सकता है, 0। बोलो यस कि नो। हाँ सर। भाई जिस समय ये इन्फाइनाइट हो जाएगा एक्स की वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। और जिस समय एक्स स्क्वायर मिनिमम यानी 0 पे सेट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यस और नो। हाँ सर। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की 1 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। 0। मतलब इससे हम क्या सबट्रैक कर सकते हैं, 1 सबट्रैक कर सकते हैं और 0। तो यदि मैं 1 सबट्रैक करूँगा तो इसकी लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इसकी लोएस्ट वैल्यू, 0। ठीक ठीक है। हाँ सर। और अगर मैं वंस अगर मैं 1 सबट्रैक करूँगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 आएगी, और 1 पे ओपन इंटरवल रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा शोर 1 पे ओपन इंटरवल, पता है, नहीं क्योंकि सर, क्यों क्योंकि हुआ बेटा एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट होना चाहिए, बोलो है ना। हाँ सर। जिस समय एक्स इन्फाइनाइट होगा तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये टोटल 0 हो जाएगा, बोलो है ना। और 1 माइनस 0 आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा। मतलब 1 को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, क्लियर। यस सर। एक तरीका तो ये हो गया इसका, ओ, मतलब 0 टू 1। तो चेक कर लो आंसर, क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 1 होना चाहिए इसका आंसर, ये देख लीजिए, बिल्कुल सही है, क्लियर सर। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वो उन्होंने वैल्यू निकाली है, वो दिखा रहे हैं कि सबसे पहली वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 है और फिर ये बढ़ता जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगी, ऑब्जर्वेशन किया है इन लोगों ने, क्लियर। ओके। क्या किया है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक और तरीका शायद बन सकता है, करके देख लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। y के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है बेटा। यस। तो y एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से यदि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, क्लियर। हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस y अपॉन y, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये बेटर है, 1 माइनस y, ये बेटर, ये बेटर है, ये बेटर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर पता नहीं क्या हो रहा था सर, वाई अपॉन 1 माइनस y, 1 माइनस y, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अब x अगर डिफाइन हो तो देखिए क्या होना चाहिए, सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो अंदर का टर्म होगा, पहली चीज तो 1 माइनस y नॉट इक्वल टू 0, है ना। यस। पहली चीज 1 माइनस y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 इज नॉट इक्वल टू y, जिसको लिख सकते हो y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, नहीं होगी। अरे तो 1 तो ओपन में चला गया, बोलो। हाँ। अब इसके बाद देखो, इतना आसान नहीं है। अब इसके बाद ये जो टोटल टर्म है, बोलो हाँ, ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्लियर कि नॉट क्लियर। यस सर। यानी वाई अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन 0, बोलो यस कि नो। यस।
जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर, y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन 0। जीरो। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं श्योर, ये भी एक नई चीज़ है, ठीक ना। हाँ सर, देखो श्योर, अगर कोई भी दो फ्रैक्शन है तो वो पॉजिटिव कब होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों क्या दोनों हों, नेगेटिव हो। नेगेटिव हों। पक्की बात ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इक्वल टू 0 भी चलेगा श्योर, क्योंकि कोई बुरी बात नहीं है, अगर इक्वल हाँ 0 आ सर, जाएगा तो वो भी चलेगा, है ना। यस सर, यस सर, हाँ, तो या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों क्या हों, नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ से देखो कंडीशन बनेगी, फर्स्ट केस बनेगा न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, बोलो हाँ, हाँ सर, बीच में आएगा एंड, क्योंकि एंड। कंडीशनल अप्लाई, हाँ एंड हाँ हाँ यस डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, 1 माइनस y ग्रेटर देन 0, बोलो हाँ, है ना। सर, माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो। हाँ बिल्कुल पक्की सर। बात। तो चलो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड इसका y मल्टीप्लाई कर दो बेटा, या y को इधर ले जाओ, बेस्ट है मल्टीप्लाई कर लो। तो y माइनस 1 आ जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, और 0 लेस देन 0 हो जाएगा, हाँ सर, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर ना। वैसे भी कर सकते, माइनस वाई उधर पे भेजा, माइनस वन, और माइनस माइनस वो तो भी वो ठीक है, साइन चेंज बट होती है। रूल ये होता है बेटा, रूल ओ ये ठीक है, है सर, वो रूल ओके नहीं है, ओके ठीक है ना। ओके तो सर, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y लेस देन 1, लेस तो देन इन वन। इक्वालिटी बनाओ, 0 पे क्लोज हाँ इंटरवल, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। छोटा। देखो बेटा आया, हाँ सर, तो कॉमन रेंज क्या हो गई, y बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स 0 पे टू जीरो टू क्लोज वन, और 1 पे वन पे ओपन। ओपन, बोलो हाँ, है ना। हाँ कंडीशन से अप्लाई। अब दूसरा केस और बनेगा श्योर, लेस देन 0, लेस देन 0, है ना, हाँ सर, क्योंकि निगेटिव भी तो हो सकते हैं दोनों दोनों, है ना, हाँ हाँ सर, हाँ सर, वो भी तो केस है। तो y अपॉन 1 माइनस y, सेकेंड केस, y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सेकेंड केस बनेगा, या तो y निगेटिव, बोलो नेगेटिव हाँ, जीरो। हाँ सर, एंड 1 माइनस y भी लेस देन 0, लेस देन जीरो। लेस देन 0। इसमें इक्वल मत लगा देना, ये डिनोमिनेटर वाला हाँ सर, हाँ सर, है वो समझ गया, समझ हाँ। गया। हाँ सर, चलिए, तो y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो y माइनस हाँ वन सर, बन जाएगा, वाई माइनस वन हो जाएगा। हाँ सर, ग्रेटर इस देन साइड। 0, तो y ग्रेटर देन 1, बोलो हाँ, है ना। हाँ सर, और बीच में लगा है एंड, यानी कि कॉमन एंड रीज़न आना एंड। चाहिए। चलिए, ये बनाया 0, 0 पे क्लोज कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोज है ना, हाँ सर, हाँ सर, और यहाँ पे 1, 1 पे ओपन, ठीक है। यस सर, देखो 1 से बड़ा, बोलो हाँ, हाँ सर, और 0 से छोटा, रास्ते मैच हो रहे हैं क्या, सर, नहीं क्या नहीं कोई सोल्यूशन कॉमन आ रहा है, नहीं तो नो सोल्यूशन, क्योंकि कुछ मैच ही तो नहीं हो मतलब रहा हम है। वो वाला ही प्रेफर करेंगे ना, वही इसलिए। हाँ, तो आंसर वही आएगा, फर्स्ट केस ही आएगा, हाँ ओके तो सर, ये वाला, फर्स्ट केस है। ओके, समझ ठीक गया, है। समझ तो गया। उसमें हाँ दिमाग सर, लगाना है और इसमें मेथड लगानी है, जो अच्छा लगे आपको। उसमें ठीक मैंने डायरेक्टली दिमाग लगा लिया, मगर कुछ ज़्यादा ही दिमाग लग गया हाँ सर, बहुत है ना। कॉम्प्लिकेटेड इसमें हो मैंने गया सर, ऑब्जर्व उससे किया बहुत। है कि ये मिनिमम कितना हो हाँ सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मिनिमम ये 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है, क्लियर। हाँ सर, हाँ सर, कोई दिक्कत, नहीं सर, चलो ये वाला कर लो, हाँ सर, बहुत अच्छा था। ठीक है। यस सर, एक सेकंड बस। क्यों युवराज, सो गया क्या, इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम पूछ के गए हमसे। ये बोला हूँ ना, ये करना है कंप्लीट, ये कब हो गया सर, तो इसमें टिक तो है नहीं तेरा नाम किसी में, सब में नाम टिक कर। अरे बाप रे, हाँ सर, डन सर, डन सर। बन जाएगा ठीक, उसका स्टैंड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसमें, होगा ना, बने ले जाओ, जय सिया राम, आओ देख लें, चलो जाओ। रेड टिक करो ना, तो जहाँ नहीं है वहाँ करो, लास्ट में देखो, ये देखो, चलो ठीक है, हो गए सारे, तेरा वो पूरा हो गया स्कूल का, अभी किसका करना है, स्कूल का करना है कि यहाँ करना है, जल्दी बता, हो जा, दे दूंगा ना, बता दूंगा काम, इंग्लिश की बुक लेके वहां से, क्यों तो एक काम करना, वो उठा ले,
अरे वो सेवेंथ की बुक उठा ले, सेवेंथ के दो चैप्टर बाकी हैं। हाँ चलो जाओ यहाँ से भागो, तेरी क्लास का बहुत फायदा उठाता है मेरा बच्चा, जानता है कि पापा पता है क्लास में पढ़ाने अभी बिजी बैठे। रहेंगे तो अभी। अबे भयंकर उल्लू बनाता है मेरे को तेरी क्लास के समय पे, वो इंतजार करता है तेरा बेसब्री से। अगली बार चलेटा हूँ सर। अरे नहीं, बिल्कुल सही समय पे आया। चल जल्दी बता और कौन सा सर बताऊँ। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन में बस मेरे को पूछना है रेंज कैसे लोग लाइक डिटरमाइन किए जीरो टू इनफिनिट हो। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन हाँ सर मिसकेलेनियस का ये पीछे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसका डोमेन इजी है बट रेंज में थोड़ा समझ नहीं आया। चलो करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन तो बन गई होगी, हाँ, बहुत चीज़ है। रेंज के लिए वाई ले लो। वाई एक्स इज माइनस इक्वल वाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देखो वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट एक्स माइनस वन है। हाँ या ना? हाँ सर। तो सबसे पहली बात, वाई तो ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि ये पॉजिटिव है। हाँ या ना? ठीक है, हाँ सर। हाँ, पॉजिटिव है अब चलो स्क्वायर कर दो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन सर। है अगर ना? माइनस होता तो वाई इज लेसर देन जीरो होता ना क्या माइनस होता तो? हाँ अगर हाँ 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 लेसर देन वैसे। जीरो, सही बोल रहे हो। ठीक। निगेटिव का मतलब लेस देन जीरो ही तो होता है यार। ठीक है, अच्छा थोड़ा जब हाँ अभी यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना? एक्स। एक्स ठीक है, यस सर। वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स। अब देखो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यस सर यस सर। अब एक्स के डिफाइन होने के लिए एक्स कहाँ से कहाँ तक आया है? देखो बेटा, आपका जो एक्स आया है स्क्वायर में, एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा और खेल सकते हैं अपन। एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। अब एक्स माइनस वन हमारा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आया है कि नहीं आया है? एक्स माइनस वन इज़ ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, जीरो क्लियर? यस सर। तो जब एक्स माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो और एक्स माइनस वन वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल स्क्वायर टू इज़ जीरो ग्रेटर और इक्वल टू कितना हो गया? जीरो हो गया। जीरो तो वाई अब इज ऑल्सो वाई ग्रेटर देन की इक्वल टू वैल्यू जीरो। जीरो के, वाई की वैल्यू जो है जीरो से ग्रेटर है, बोलो हाँ, और इसमें जीरो के इक्वल दे दिया, देयर फोर वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू जीरो टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। ओके यही ओके है आंसर, यस सर। ये लो जी। ठीक है, यस एनी प्रॉब्लम? नो सर। और बताइए कौन सा क्वेश्चन। इसमें और शायद ही कुछ है जो बाकी तो हो जाएंगे। हाँ सर। देखिए अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। फाइंड साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू। साइन एक्स इक्वल टू वन बाई फोर एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्वाड्रेंट पे आइए। अब कह रहा है एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है मतलब जो एक्स की वैल्यू साइन और है, कॉस का तो पॉजिटिव होती है। एक्स की जो वैल्यू है, ना 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 ना, ये नहीं करना हमको। पहले एक्स की वैल्यू देखो, तो एक्स की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से लेकर के 180 के 90 से बीच लेके में वन है, एटी के बीच में। हाँ पक्की बात ना? हाँ तो आपको खेलना किस पे है? एक्स बाई टू पे। एक्स बाय टू तो एक्स बाई टू कितना आ जाएगा? वो 45 से नाइन्टी लेके से 90, हमारा जीरो तक 45 से 90 आएगा वो ना बेटा? 45। ओ ओके ओके आप हाफ कर दोगे ना? नहीं ऐसा नहीं है अच्छा समझ गया समझ भाई, गया। इधर भी हाफ हाफ 90 बाई टू कर दो और हाँ इधर हाँ समझ गया 180 सर। बाई टू कर दो। वन एटी बाय क्लियर टू। हुआ? 180 बाई टू कर दिया, तो कितनी आ गई एक्स बाई टू की वैल्यू? 45 से फोर्टी लेकर फाइव के से लेके 90 तक 90, मतलब विच विल आपका बी एक्स इन बाई टू फर्स्ट का एंगल क्वार्टर। किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर क्वाड्रेंट। तो लंबी सांस लो राहत की, यानी कि ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो आंसर आ रहे हैं वो सब क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव आएंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए अब देखिए, साइन एक्स इक्वल टू है 1/4। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ से कॉस एक्स निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ? कॉस कॉस एक्स। और साइन एक्स किस में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लिखा हुआ है, सेकंड क्वार्टर में अभी यस सेकेंड में चल रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो अब कॉस एक्स निकाल लो। तो कॉस एक्स इक्वल टू होता कॉस है एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन अच्छा माइनस अंडर साइन रूट माइनस स्क्वायर साइन एक्स, स्क्वायर ये लगाएंगे ना? एक्स। हाँ सर। तो 1 माइनस 1/16, ठीक है भैया? तो 16 माइनस 1 अंडर रूट 15/16, 16 और दोनों साइन की दावेदारी होगी प्लस और माइनस की, बट लेंगे माइनस क्योंकि माइनस में कॉस की बात निगेटिव है। हाँ या ना? क्योंकि सेकेंड माइनस क्वाड्रेंट अंडर में रूट कॉस फिफ्टीन क्या बाई होता सिक्स है? फोर निगेटिव होता है। क्लियर? यस सर। हाँ सर। तो कॉस एक्स इक्वल टू निगेटिव अंडर रूट अंडर रूट फिफ्टीन फिफ्टीन बाई बाई फोर फोर ये आ गया कॉस यस। एक्स। ठीक है, हाँ सर। अब हमारे दो हार्ड फॉर्मूले,
जो दिल में बसे हैं, एक है वन प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्लियर, और एक है वन माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, होता है कि नहीं होता? हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो अपने पास कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आई है? माइनस रूट 15/4, यही आई है? यस सर। कि नहीं आई? हाँ हाँ सर। हाँ, तो हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू माइनस रूट 15/4 आई है, क्योंकि तो सिंस कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 15/4, तो यहाँ से देखो बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। नहीं होगी? तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू वन प्लस वन प्लस अंडर रूट 15 बाय 4 4 इनटू जाएगा 15 बाय 4 होल डिवाइड बाय 2, क्लियर? ओह वेट, तो बेटा सर इनटू नहीं हो जाएगा? कहाँ इनटू होगा बेटा? आई मीन अपॉन में 2 नहीं लिखेगा? कॉस एक्स था माइनस अंडर रूट 15 बाय 4 4 नीचे पे, तो 4 इनटू 2। हाँ, तो एलसीएम लेने के बाद ना करेगा कि अच्छा, भाई ओके, ऐसे अच्छा 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 पहले करने के बाद। हाँ हाँ सॉरी, फोर वन जा फोर माइनस रूट 15, बोल है ना? फोर टू जा एट, ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो कॉस एक्स बाई टू रूट में आ जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट फोर माइनस रूट 15/8, क्लियर कि नॉट क्लियर? यहाँ बैठका था सर। और प्लस और माइनस की दो वैल्यू है, तो प्लस में ही आएगा आंसर, ठीक है? ये आ गया cos x by 2 की वैल्यू, ठीक है? यही होगी? हाँ। ओके सर। सर मैंने पता नहीं क्या किया था सर, into 2 into 2 किया था। एक मिनट, into 2 into 2। I think सर उन्होंने 8 को कन्वर्ट करने का ट्राई किया था 16 से, क्योंकि 16 रूट होता है 4 का। तो देखिए cos x by 2 की वैल्यू sin square x by 2 पे प्लस हो गया, और 8 माइनस, अच्छा 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 अरे यार, रेशनलाइज करके रूट बाहर ले लिया है। हाँ, तो वो तो कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और सर मतलब लेकिन आंसर तो हाँ ठीक है, यहीं तक आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है सर, ठीक है। कौन सा वो रूट से बाहर हो जाएगा? वही तो ना सर, पता नहीं ये लोग। रूट से तो बाहर होना नहीं है उसको, तो क्या मतलब? हाँ सर, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा बस, ठीक है ना? यस सर। चलिए अब अगले पे आ जाइए, वन माइनस कॉस एक्स से, ये तो कॉस एक्स बाई टू हो गया, क्लियर? हाँ सर। बोलो हाँ है ना? ठीक, रूट पूरे में है, ठीक है बेटा? हाँ सर। अब देखिए, वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, ठीक है बेटा? अपॉन टू, हाँ सर बिल्कुल। तो वन माइनस, अब माइनस माइनस प्लस कर देगा, कर देगा नहीं करेगा? क्योंकि वन माइनस अंडर रूट 15/4 डिवाइड बाई टू, अब आया समझ में? एक और माइनस है अंदर भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस रूट 15 और फोर वन जा फोर होल डिवाइड बाई फोर इंटू टू हो जाएगा, क्लियर? बिल्कुल सर। तो फोर प्लस रूट 15 बाई एट, क्लियर? यस सर। तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू अंडर रूट फोर प्लस रूट 15 बाई एट, ओके? हाँ सर। क्लियर है? यस सर। अंडर रूट फोर प्लस रूट 15 बाई एट, तो साइन एक्स बाई टू आ चुका है अपना, और कॉस एक्स बाई टू भी आ चुका है, ठीक है? सर अगर अंडर रूट में अंडर रूट 15 होता है तो उसका अंडर रूट नहीं कटेगा? हाँ सर। चलिए, टेन एक्स बाई टू इक्वल टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ठीक है? हाँ सर। साइन एक्स बाई टू बेटा हमारा क्या आया है? रूट फोर प्लस रूट 15 बाई एट, रूट फोर प्लस रूट 15 होल डिवाइड बाई, क्योंकि रूट के अंदर ही 8 है बेटा, बोलो है ना? हाँ सर। और ये कितना आया है? रूट फोर, सॉरी अंडर रूट रूट माइनस रूट 15 बाई 8, क्लियर? हाँ सर। अब 8 तो इकलौता है, डिवीजन में है, चाहो तो आप अलग अलग कर लो, एक थ्योरम होती है, होल्ड ए बाई बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, होती कि नहीं होती? हाँ, तो ये बन गया फोर प्लस रूट 15 बाई एट, यानी कि रूट 8, और यहाँ पे अंडर रूट फोर माइनस रूट 15 बाई रूट 8, क्लियर? रूट 8 से रूट 8 कैंसिल, क्लियर? हाँ सर। तो ये बन जाएगा अंडर रूट फोर प्लस रूट 15
नीचे अंडर रूट इनटू फोर अंडर माइनस रूट रूट फिफ्टी फोर। थ्री। अब श्योर रूट से रूट मत कैंसिल कर देना क्योंकि ऊपर का टर्म अलग है नीचे का टर्म अलग है, ठीक है ना। अच्छा ठीक, हाँ सर। स्क्वायर से ही रूट कैंसिल होता है, और ना ये रूट फिफ्टीन से रूट फिफ्टीन कैंसिल होगा क्योंकि प्लस में है माइनस में है, ठीक। स्क्वायरिंग बहुत सेट नहीं कर सकते क्यों, कोई क्या टेन स्क्वायर एक्स बाई टू करने को बोला उसने, टेन एक्स बाई टू बोला नहीं ना, सर, नहीं, हाँ तो किस सर। बेसिस पे स्क्वायरिंग कर दोगे। बस ज़्यादा ज़्यादा इनको साथ ले सकते हो, फोर प्लस रूट ठीक है सर, फिफ्टीन, फोर माइनस रूट फिफ्टीन, यही आंसर है फाइनल। ओके क्लियर, ओके, हाँ सर। एनी प्रॉब्लम, नो सर, नोट कर सर लो ऐसा उसको। गंदा ना सर, ऐसा तो सर डर लगता है सर। क्या गंदा सा, नहीं नहीं कोई कोई डर नहीं है, आप बेवजह डर रहे हो भाई। दोनों को डिवाइड कर दो तो फोर प्लस रूट सिक्सटीन, फोर माइनस रूट सिक्सटीन, है ना। यस ये देखो दो का मल्टीप्लाई कर दिया ना, टू फोर जा एट प्लस टू रूट फिफ्टीन सर, और फोर एट माइनस टू रूट फिफ्टीन, यही तो आया अपना भी, देख लो सही है सर। ठीक है ना। बस इसके बाद रेशनलाइज कर दिया है, अब कोई प्रूफ दैट थोड़ी ना है कि वहीं तक लेके आओगे, है ना। हाँ सर, एनी प्रॉब्लम, नो सर, हाँ अब इसको भी चाहो आप तो रेशनलाइज कर दो, बिल्कुल वही आंसर आ जाएगा जो अपने सर, को वो समझ गया। आ रहा है, प्रेशर रहने दो सर, मैं फालतू का स्टेप बढ़ जाएंगे और। हाँ ठीक है। क्लियर, सर, एक सेकंड जस्ट सर, हाँ बेटा। एक सेकंड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू वन, तो देखिए क्या दिया गया है, मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू वन। क्लियर, तो देखिए यदि मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू वन है, अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे तो मॉड बीटा स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा। क्लियर, हाँ सर, हाँ, और आप एक चीज़ जानते हो कि जेड इंटू जेड बार इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड का मॉड ऑफ स्क्वायर, जेड बार स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यस आप इसी को मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर को आप जेड इंटू जेड बार लिख सकते हो बैक साइड करके, तो आप इसे लिख सर। सकते हो बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू वन। क्लियर, अच्छा सर, ठीक है सर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, हाँ सर, अब एक चीज़ देखिए कि जेड वन प्लस जेड टू का होल बार, इस एक मिनट इसके पहले ये समझो आप कि आप जानते हो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है, होता है कि नहीं होता। यस सर, यस। तो यदि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन प्लस जेड टू, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू का जेड वन बार। प्लस जेड टू का बार, क्लियर, हाँ तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और उनके कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है, तो ये भी तो होगा ना कि नहीं होगा। बिल्कुल सर, क्लियर कि नॉट क्लियर, हाँ सर, ओके। तो देखिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो चाहे वो जेड वन प्लस जेड टू हो या जेड वन माइनस जेड टू हो, दोनों के मॉडुलस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सर, तो देखिए अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉपर्टी तो मैंने पढ़ा दी। क्वेश्चन हमारे यस पास है मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा माइनस अल्फा लिखे रहने दें, क्या वन को आप बीटा बीटा बार यानी कॉन्जुगेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हाँ सर, क्लियर बेटा, यस सर, ऊपर बीटा माइनस अल्फा है, और एक और बीटा प्रॉपर्टी अल्फा होती वन है को, अच्छा जेड वन ठीक है अपॉन जेड टू सर, का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड वन, सॉरी मॉड बोलना था मुझे, जेड वन यस अपॉन सर, जेड टू का मॉडुलस इक्वल टू जेड वन मॉडुलस अपॉन जेड टू मॉडुलस, होता है जेड कि नहीं होता, मॉडुलस, हाँ सर बिल्कुल, और जेड वन इंटू जेड टू का मॉडुलस इक्वल टू जेड वन मॉडुलस जेड वन का इंटू जेड टू मॉडुलस मॉडुलस। इनटू जेड टू का मॉडुलस, क्लियर, हाँ सर। तो बेटा इसको मैंने बीटा माइनस अल्फा को सेपरेट कर लिया ऊपर ही ऊपर, क्लियर। नीचे से मैंने बीटा कॉमन ले लिया, तो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा बार माइनस अल्फा बार। क्लियर, हाँ सर, वो बीटा कॉमन, ठीक है ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ सर, नीचे लगेगा ये। अब देखिए यस ऊपर ऊपर बच गया बीटा माइनस अल्फा का मॉड। क्लियर, क्लियर कि नॉट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर, और ये बेटा बीटा मॉड अलग कर लो, और ब्रैकेट में बच गया बीटा बार माइनस अल्फा बार, यस और नो। बीटा बार में, हाँ ठीक है सर, क्या आप इसका अभी बीटा बीटा माइनस अल्फा का होल बार लिख सकते हो, बेशक लिख सकते हो, का, हाँ सर बिल्कुल देख क्यों लिख सकते हैं सकते हो, ये वाली सर, वो प्रॉपर्टी क्योंकि इक्वल होते जेड वन प्रॉपर्टी, माइनस जेड टू का होल बार इक्वल टू जेड वन बार माइनस जेड इक्वल टू जेड बार। वन बार और जेड टू टू बार, हाँ क्लियर कि सर, नॉट क्लियर, यस सर, क्लियर क्लियर, और किसी नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस तो इक्वल होता है, ये देखिए बताया था किसी मैंने, नंबर उसके कौन से, हाँ सर, तो ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, हाँ सर, कैंसिल हो इक्वल, जाएंगे, तो ऊपर बचा वन ओके सर, और नीचे बचा मॉड वन बीटा, मॉड मॉडल बीटा कितना मॉड दिया है क्वेश्चन में, वन वन दिया, तो वन अपॉन वन वन इक्वल टू आंसर,
क्लियर, ओ सर ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लें, सर केवल प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टी बता प्रॉपर्टी दीजिए। खिला रहा है ना, हाँ ओके ओके सर। ये नोट करें। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लीनियर इनइक्वालिटी एनसीईआरटी का। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 40% सोल्यूशन। क्लियर है बेटा? हाँ सर, तो क्या कह रहा है कि 1125 लीटर में, ठीक है ना, हाँ सर कितना पानी ऐड किया जाए, कितना पानी ऐड ऐड किया किया जाए। जाए, ठीक ना, इसमें कितना पानी ऐड किया जाए। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, तो मान लिया हमने कि एक्स लीटर वाटर हम ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं बेटा, एक्स लीटर एक्स लीटर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का कहना है कि इसमें कितना पानी ऐड किया जाए, तो टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर कितनी हो गई, एक्स प्लस 1125। क्लियर? हाँ सर, अब कह रहा है कि जो एक्स प्लस 1125 जो ये बन गया नेट मिक्सचर है, क्लियर, हाँ सर क्या बन गया बेटा, ये नेट मिक्सचर, नेट मिक्सचर, ठीक है ना। हाँ सर अब कह रहा है इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो रिजल्टिंग मिक्सचर की कंसंट्रेशन जो है, ठीक ना, हाँ विल सर कंटेन मोर देन 25% एसिडिक कंसंट्रेशन, इसमें जो एसिड हो वो 25% से ज़्यादा हो, बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। मतलब इस मिक्सचर में जो कंसंट्रेशन एसिड की है वो 25% से ज़्यादा हो और और 30 से थर्टी कम। परसेंट से कम हो, ठीक है ना। हाँ सर हाँ, और किससे कंपैरिजन करना है आपको, 1125 1125 लीटर के लीटर से। 45% सॉल्यूशन से, मतलब अच्छा बीच सर में क्या आ गया, 1125 का 45%, 45% इनटू यानी 100। 45/100। ओके, हाँ सर ये कह रहा 1125 का 45/100, ये हो गई अपनी मेन सेंट्रल कंसंट्रेशन। क्लियर? यस ये सेंट्रल कंसंट्रेशन हो चुकी है, तो देखिए कैसे इनइक्वालिटीज बनेगी। ये देखिए क्या कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की वो 25% के मिक्सचर से, 25% मिक्सचर से ज़्यादा हो और 45% सॉरी 30% से क्या हो, कम हो। कम हो। समझ में आया? यस सर तो मतलब ये कहना है कि ये जो मिक्सचर आपका बन रहा है ज़्यादा होगा, है ना, हाँ सर किसे, 25% ट्वेंटी ऑफ फाइव रिजल्टिंग मिक्सचर, 25/100 और 1125 प्लस एक्स, समझ गए, हाँ सर ये मिक्सचर, और लेस होगा किससे, 30% 1125 प्लस एक्स 30%। 30/100। क्लियर? हाँ सर कोई दिक्कत? नहीं अब सर इसको आप कर एक साथ भी सकते हो, बट एक्चुअली एक्स दो पार्ट में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले 100 100 100 आप कैंसिल कर दो। ओके, हाँ सर तो 100 सर हमने बीच वाले में एक्स क्यों नहीं जोड़ा सर, वन बीच वन वाले टू में फाइव एक्स इसलिए नहीं जोड़ा है बेटा, क्योंकि कह रहा हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, कह रहा कितना पानी ऐड करना चाहिए, अच्छा जो समझ गए ना, पहले से इतना है। ओके ओके इतने है ना, इतने ओके ओके लीटर की जो एसिडिटी है वो 45% है, मतलब हम यहाँ पे एसिड का कंपेरिजन कर रहे हैं, अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना, समझ मतलब गया वन समझ गया। वन टू फाइव के 45% कंसंट्रेशन से रिजल्टिंग सोल्यूशन जो उसकी कंसंट्रेशन है, समझ गए, हाँ उससे कम सर होनी चाहिए, मतलब 25% से लेके 30% के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर यस। तो एसिड की कंसंट्रेशन हमने कंपेयर करी यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है कि हम कम से कम कितना पानी मिला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी निकाल मिला सकते हैं। क्लियर? तो सौ यस सौ सर सौ काट दिया अपन ने, बोलो हाँ, है ना, हाँ सर बिल्कुल सही। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 25 × 1125 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1125 × 45। क्लियर? हाँ सर लेस देन और इक्वल टू 1125 प्लस एक्स इंटू 30। अब 15 का डिवाइड दे दो बेटा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 15 का यहाँ, 15 का यहाँ, नहीं, 15 का मत दो, 5 का दे दो बेटा, है ना, यस सर
तो फाइव कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव, 1125 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 9 जा 45, 1125 इंटू 9, क्लियर। हाँ सर, और 1125 प्लस एक्स इंटू 6, समझ में आ गया बेटा। यस सर, एक बार बेटा इस इनइक्वालिटी को लेके सॉल्व कर दो तो एक्स की वैल्यू जो है लेसर देन में आ जाएगी, और एक बार इस पार्ट को लेके सॉल्व कर दो तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन में आ जाएगी। देखिए देखिए, एक बार ग्रेटर देन वाला पार्ट सॉल्व कर दिया बेटा, हाँ सर, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, इन्हें आला, हाँ फाइव वही समझ सिक्सटी गया, टू पॉइंट फाइव क्लियर। हाँ सर, और एक बार लेफ्ट वाला पार्ट लेके सॉल्व कर दिया बेटा, बोलो यस और नो, हाँ सर, तो एक्स की वैल्यू लेसर में आ जाएगी बेटा, कितनी आ रही, 900, क्लियर। यस, तो जो एक्स की वैल्यू हम मिलाएंगे दैट इज़ ग्रेटर देन 562.5 बट लेसर देन 900, क्लियर है, यस सर, एनी प्रॉब्लम। नो सर, तो मेन ये स्ट्रक्चर बनाना है और इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है। सॉल्व मैं करूँ कि कर लेंगे आप, नहीं सर, हो जाएगा हो जाएगा, नोट कर अब समझ लीजिए, गया, है ना। यस सर, याद रखिएगा खेलना आपको एसिड की कंसंट्रेशन पे है, ठीक है ना। ठीक है सर, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, है ना। ये प्रूफ करना है कि ए माइनस बी जो है वो फैक्टर है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का, हाँ सर, क्लियर है बेटा। यस सर, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक स्पेशल अप्रोच चाहिए है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कहता हूँ ये हॉट्स क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, अगर इसको आप घर से नहीं लगा के जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो स्टार्ट कहाँ से करता हूँ क्वेश्चन को, जो हिंट दी है नहीं भी दी कि तो मेरे को पता रहेगा। क्या मैं ए की पावर एन को ए माइनस बी प्लस बी होल टू द पावर एन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, हाँ सर, बोलिए यस कि नो। यस सर, अब मैं यदि इस पूरे टर्म को एक सेपरेट एक्स ले लूँ थोड़ी देर के लिए, लेट ए माइनस बी इक्वल टू एक्स, ठीक है बेटा। यस सर, तो क्या मैं इसको एक्स प्लस बी की पावर एन लिख सकता हूँ। हाँ सर, अब मैं इसको यदि ओपन कर दूँ बेटा तो क्या बन जाएगा, देखिए एन सी जीरो, हाँ या ना, हाँ सर, एक्स की पावर एन, ठीक है, यस सर, प्लस एन सी जीरो। या मैं इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा मैं आपको इसको उल्टा खोल करके दिखाऊं। अब आप कहोगे क्यों सर उल्टा क्यों खोल रहे हो, तो उसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा अभी जब मैं लिखूंगा। क्या मैं इसको बी प्लस एक्स की पावर एन लिख सकता हूँ, बी प्लस, हाँ सर, दोनों एक ही है ना बेटा, है ना। एक ही बात, तो ए की पावर एन इक्वल टू एन सी जीरो बी की पावर एन एक्स की हाँ पावर सर, जीरो, क्लियर है बेटा। यस सर, प्लस एन सी जीरो बी की पावर एन माइनस पावर वन, एन ठीक माइनस है, वन, हाँ सर, एक्स की पावर वन प्लस एन सी, सॉरी बेटा यहाँ वन होना था, है ना, अच्छा, हाँ सर, एन सी टू एन सी टू बी इज की इक्वल पावर टू एन बी माइनस टू एन माइनस एक्स टू की पावर टू एक्स की पावर टू, हाँ प्लस डॉट 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 सर, टू इन, एन सी एन बी की पावर जीरो हो जाएगा और हाँ एक्स की सर, पावर एन हो जाएगा, हो जाएगा। एन हो जाएगा, अब देखिए आप एन ए की पावर एन बेटा एन सी जीरो वन होता है, हाँ सर, बी की पावर एन होता है और एक्स की पावर जीरो भी वन होता है कि नहीं होता, वन होता है, बी मतलब कुल मिला के ये टर्म बी की पावर एन बच ए एन की बच पावर जाएगा नहीं एन बन होगा, जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ से मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो बी की पावर एन आ जाएगा हाँ सर, भाई, इसको लेफ्ट में लेके आ गया तो समझ गया, हाँ हाँ सर, आएगा। अब एन सी हाँ वन सर, की वैल्यू में पुट करता हूँ, कितनी है एन, एन 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 सी वन है एन बी, और बी हाँ की सर, पावर एन माइनस वन, बोले एन हाँ। माइनस वन, हाँ सर, और एक्स का वैल्यू वापस डाल रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखिए एक्स क्या था, ए माइनस बी ए माइनस की बी, पावर वन, बोलो ये सुनो। फिर एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू और ए माइनस बी की पावर टू, बोलो हाँ। ए, हाँ सर, प्लस एन सी एन बी की पावर जीरो हो गया, ए माइनस बी की यस पावर सर, बढ़ के एन हो गया, क्लियर। एन हो गया, यस सर, अब देखिए बेटा ध्यान से, आपके पास क्या ए माइनस बी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा हर टर्म से, ए माइनस बी, हाँ सर, क्योंकि ये टर्म तो आपका इस तरफ चला गया बैक साइड, हाँ है ना।
हाँ सर, अब जो बाकी टर्म बचे हैं उसमें ए माइनस बी एक बार, दो बार, तीन बार, तो भाई बहुत बार तो है ना। हाँ सर, तो ए माइनस बी कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, एन इंटू बी की पावर एन माइनस टू वन बी की पावर एन माइनस वन। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल सर। एन इंटू बी की पावर एन माइनस वन। फिर अगला बचेगा एन सी टू बी की पावर एन माइनस टू इंटू ए माइनस बी, दो बार था तो एक बार बाहर आ गया, बोलिए यस वन नो, हाँ सर, प्लस डॉट 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 डॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। अब देखिए बेटा ये जो चीज़ है, दिस थिंग इक्वल टू ए माइनस बी का मल्टीपल है कि नहीं है, हाँ सर, और ये पूरा का पूरा जो है कोई ना कोई कांस्टेंट के आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर, क्योंकि सब इंटीजर हैं, तो अच्छा, इंटीजर का हाँ सर, कुछ भी होगा तो इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर, तो मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल टू ए माइनस बी ए माइनस मल्टीप्लाइड बी बाई इक्वल टू के। सम इंटीजर, बोलो हाँ या अच्छा ना, भाई, हाँ सर, सम और उस इंटीजर इंटीजर का नाम के ले लो। क्लियर? के दे देते हैं। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू के आया, हाँ सर, और अगर कोई नंबर किसी चीज़ को डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है कि नहीं कहलाता? हाँ सर, भाई के भी तो इंटीजर है ना, हाँ है ना। यस सर, यस सर, हाँ सो बिल्कुल सर, ए माइनस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ ए टू द पावर एन माइनस बी की पावर एन, आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर, क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। भाई जैसे 6 में 2 को डिवाइड करोगे तो 3 आ रहा है, तो काट रहा है तो तभी ना इंटीजर दे रहा है, हाँ तो सर, इंटीजर कब मिलता है, जब कम्प्लीटली काटेगा, जब कंप्लीटली काटेगा। यस और नो? यस तो सर, ए माइनस बी फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, यस, देख लीजिए, प्रूव दैट ए माइनस बी इज़ ए फैक्टर, हो गया फैक्टर। ये बढ़िया क्वेश्चन है सर, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ सारे बढ़िया है, नोट नहीं सर, कर लो। बाकी मतलब बन सकते सीधा, मतलब फॉर्मूले हैं, ये ओके सीधा फॉर्मूला बनानी था। हाँ, शुरू का इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग लगेगी, जो हाँ वही पंच सर, नहीं पकड़ पाया, ए माइनस बी की पावर बी, ए माइनस बी प्लस बी, ठीक है ना, यस सर, और उधर प्लस बी की पावर एन आएगा तभी माइनस बी उछल के उधर जाएगा, अगर तुमने ए प्लस बी माइनस बी कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। ओके सर। नोट करें, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम एक ऑफ सेकंड, नहीं 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 फर्स्ट सर, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन बताना है, ये हाँ नहीं 13, है? 13, नहीं, चलिए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हाउ मेनी टर्म्स 3 की पावर 2 3 पर 3 नीडेड टू गिव सम 120। तो आई सर डोंट ये नो कितने टर्म्स दोनों है ए तुम्हारा, और आर दोनों सर, ए 3 है उधर। हाँ ठीक है, मान लेते हैं एन टर्म्स, ओके, हाँ सर, लेट्स सम ऑफ एन टर्म्स गिव यू 120। वन क्लियर? ट्वेंटी हाँ सर, तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है 3 है। और आर की वैल्यू भी 3 है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0 है, क्लियर, हाँ हाँ सर, पॉजिटिव है, तो ए फॉर्मूला आर टू द पावर एन आर माइनस टू वन द पावर अपॉन एन आर माइनस माइनस वन इक्वल्स टू 120। वन क्लियर है ट्वेंटी बेटा? हाँ सर, ए की वैल्यू 3 और यहाँ 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1 2 हो गया इक्वल टू वन हाँ सर, ट्वेंटी क्लियर? हाँ सर, तो 3/2 है तो पलटी जा करके, पलट करके 2/3 हो जाएगा, बोलिए यस और नो? हाँ सर, 30 से कितने बार जाएगा, 40 × 3, और यस भी हो चल गया, चल, हाँ सर, तो 3 की पावर 80, एन माइनस वन इक्वल्स टू 80। क्लियर? एटी तो हाँ थ्री सर, की पावर वो एन इक्वल्स टू 81, 3 की पावर n फैक्टराइज करके मैं इसको लिख सकता हूँ कितना बेटा, 9 × 9, 81 क्लियर, 3, हाँ सर, दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4, यस और नो? बिल्कुल सर, बिकॉज इज 2 पावर 2 पावर, 3 की पावर हाँ n इक्वल टू 3 की पावर 4, आंसर n इक्वल टू 4। तो हाउ मेनी टर्म विल गिव यू सम ऑफ 4 टर्म, क्लियर, हाँ तो सर, आंसर यहाँ सर पे n इक्वल टू 4, यस। अगर हम वो वाला लगा के करें चलिए चेक कर तो भी लेते सेम हैं, आएगा, वही से चेक तो करवा लो सर, हाँ बिल्कुल आ जाएगा बेटा, सेम आ जाएगा, मेरा अलग आ रहा था, देखिए पता नहीं क्यों। देखिए करते हैं, यस सर, 3 मेरा 79 हो ठीक है जा रहा था ना, उससे। 1 − 3 की पावर n अपॉन 1 − 3 इक्वल्स टू कितना बेटा, सम बोला था 120 ना, हाँ सर, द सम इज़ गिवन 120, ओके 120 चेक कर लेते हैं, वैसे लगाना तो नहीं चाहिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे पास फार्मूला है तो हमको ऐसा नहीं हाँ करना सर, चाहिए, ठीक है? यस, तो 3 1 − 3 की पावर n अपॉन −2 माइनस इक्वल्स टू 120, वन वन ट्वेंटी माइनस थ्री की पावर n इक्वल टू 120 इंटू −2/3, क्लियर, हाँ सर, 340,
सो 1 माइनस 3 की पावर n इक्वल्स टू -80, क्लियर। हाँ सर, 3 की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस 80, ये अच्छा, गलती हुई हाँ आपसे। समझ आया। हाँ सो नहीं, मैंने बताऊँ माइनस टू नहीं 81 लिखा। इक्वल्स टू 3 टू द पावर n, अगेन n इक्वल्स टू 4, क्लियर। हाँ सर, क्योंकि इक्विवेलेंटली माइनस साइन ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इक्वेशन हाँ सर, सही है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। समझ गया सर, ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गया, डन। बस माइनस टू नहीं लगाया मैंने, हाँ इसलिए, ठीक है। वो गड़बड़ी हो गई। हाँ सर, मेरा 79 हो जाएगा सर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गिव अ जीपी विद ए इक्वल टू 729 एंड सेवेंथ टर्म इक्वल टू 64। अब मान लिया हमने कि इसका जो कॉमन रेशियो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर, क्लियर। यस सर, और ए इक्वल्स टू दिया आपको 729 और कह रहा सेवेंथ टर्म 64 है, ए 7 इक्वल टू 64, क्लियर। हाँ सर, तो ए 7 आप जानते हो, ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, तो ए 7 इक्वल्स हाँ टू सर, ए इन टू आर टू द ए पावर 7 आर माइनस वन सिक्स मतलब 6 इक्वल सिक्स टू 64, इक्वल टू सिक्सटी क्लियर। फोर हाँ सर, और आपने ए की वैल्यू 729 दे रखी सेवन है, दे ट्वेंटी रखी नाइन है, दे तो रखी है। हाँ सर, 729 इनटू आर की पावर 6 आर की इक्वल्स पावर टू सिक्स सिक्सटी इक्वल टू फोर, सिक्सटी क्लियर। फोर तो आर हाँ की सर, पावर 6 इक्वल्स टू 64 अपॉन 729। सेवन ट्वेंटी अब नाइन थोड़ी सी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, आर की पावर 6 बेटा 64 होता है 2 की पावर 6, क्लियर। इतना पता और है, ट्वेंटी 729 होता है 27 इंटू 27, क्लियर। सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन ठीक है हाँ सर। ठीक है। और हाँ आर सर, की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 6, ये बेटा होता है 3 की पावर 3 थ्री इंटू की थ्री की पावर पावर थ्री और थ्री वो भी थ्री की क्लियर, पावर थ्री, थ्री की पावर सिक्स हो जाएगा। थ्री है बेटा, क्लियर। अच्छा सॉरी सॉरी, तो 2 की पावर 6 और बेस सेम हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, क्लियर। हाँ सर, सो यू कैन राइट r² इक्वल्स टू 2/3 होल टू द पावर सिक्स, पावर से पावर कैंसिल, r इक्वल टू 2/3, 2/3 आपसे अब क्या कह रहा है कि ओके। सेवेंथ टर्म फाइंड करिए, ओके सॉरी हाँ सर, सेवन टर्म का सम फाइंड करना है s7। तो सब कुछ तो है हमारे पास, s7 इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन होल डिवाइड बाई आर माइनस वन, आर होता है कि माइनस नहीं वन होता। यस सर, तो ए जो हमारे पास है कितना है, ए हमारे पास 729 है क्या, सेवन हाँ ट्वेंटी नाइन 729 ए इक्वल्स टू 729, ठीक है ना। हाँ हाँ आर सर, टू द पावर 7, तो आर कितना आया है 2/3, ठीक टू है, बाई थ्री 2/3 टू द पावर 7 माइनस वन अपॉन 2/3 माइनस वन, क्लियर बेटा। हाँ सर, 729 ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 6 64 होता है, 64 इंटू 2 128, क्लियर। हाँ सर, अपॉन इसको लिख लो 3 की पावर 7 माइनस वन, क्लियर। एक एलसीएम सेकंड लेंगे सर। तो यहाँ पे 3 की पावर 7 ही चला जाएगा, अच्छा ठीक और सर, यहाँ पे 2 माइनस 3 अपॉन 3, क्लियर थ्री बेटा। हाँ सर, तो 729 इंटू देखिए क्या आ जाएगा, 128 माइनस 3 की पावर 7 जो भी सेवन आएगा, और नीचे 3 की पावर 7 है, पल्टी मार के 3 सबसे ऊपर ऊपर आ और 2 जाएगा, माइनस 3 आएगा माइनस 1, ठीक है ना। एक पावर कम कर देगा, तो 3 की पावर 6 इसको 6 पावर बना देगा, क्लियर कि नॉट सिक्स क्लियर। पावर बना देगा। और हाँ 3 की पावर 6 खुद 729 होता है कि नहीं होता, ठीक है, पावर ओ अच्छा ठीक है। हाँ होता है सर, कि नहीं होता। तो हाँ कुल हाँ मिला के ये कितना बन गया, 128 माइनस 3 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, क्योंकि सब तो सब कुछ तो कट चुका है, क्लियर कि नॉट क्लियर। अच्छा ठीक है सर, हाँ, तो 729 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर 7 माइनस 128 हो जाएगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है ना। यस सर यस सर यस तो सर, ये कितना हो जाएगा, 729 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 6 पावर सेवन में हाँ सर, 729 होता है, होता है कि नहीं होता। सेवन एटी नाइन इंटू थ्री हाँ सर, 3 9 जै 27, कैरी आगे 2, 3 2 जै 6 प्लस 2 8, 3 7 जै 21, 2 1 8 7 माइनस 128 करो बेटा। वन ट्वेंटी एट था ना सर, बिल्कुल सही, सेवन 2 1 8 7 माइनस वन ट्वेंटी फाइव एट जीरो टू जीरो फाइव फाइव वन 2 0 5 9 नाइन सॉरी सर, हाँ ये टू नाइन है जीरो सॉरी, फाइव नाइन सेवेंटी लिख के क्लियर सर है, गलत लिख के। हाँ सर, ओके। हाँ सर, तो अब देखिए यहाँ पे हमने गलत फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो 1 माइनस आर की पावर एन लेस लगा, देन मतलब वन गलत हाँ भी लग डिवाइड गया में तो था भी ना। सही आएगा, है ना। हाँ सर सही तो आ गया भाई,
तो बस इतनी ही बात है याद रखने की कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो फॉर्मूला लगेगा एस एन का, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर एन माइनस वन, आर माइनस और अगर आर लेस यस देन वन है तो एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। क्लियर यस सर, क्लियर बेटा? एक सेकंड सर। हाँ सर दिखलेगा। ठीक है हाँ सर चलो आगे। वन माइनस आर एन यस सर लिख लिया। इसको नोट करेंगे। ओके हो लिख लिया सर, आपके पूरे साथ लिख ही कर लिए, रहा था। ये मैं आपको हाँ सर पीडीएफ पूरा भी दे दूंगा। है ठीक है सर। चल चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। इफ पी एथ क्यू एथ एंड आर्थ सम ऑफ एन जी पी इज इक्वल टू ए बी सी। अब सबसे मुसीबत वाली बात यह है कि इसमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी बी। अब देखो बेटा स्मॉल ए इसमें क्वेश्चन में है तो हम ए नहीं ले सकते है ना, हाँ सर तो कैपिटल ए लेते हैं एंड कॉमन रेशियो बी कैपिटल आर। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अब पी एथ टर्म क्या होगा, देखो ए पी बोलते हैं हाँ या ना, हाँ सर ए एन को एंथ टर्म बोलते हैं, तो ए पी को पी एथ यस सर। टर्म नहीं बोलेंगे बताओ। हाँ सर तो पी एथ टर्म जो दिया गया है वो होगा कितना, देखो पी एथ टर्म क्या दिया गया है, ए दिया गया है, दिया कि नहीं दिया, हाँ सर गिवन है ना। हाँ हाँ लिखा है और क्यू एथ टर्म कितना दिया गया है बेटा, बी बी दिया गया है, और आर एथ टर्म क्या दिया गया है बेटा, सी सी दिया गया है। अब अच्छे समझो, मैं इसको लिखूंगा ए आर की पावर पी माइनस वन हाँ ठीक है सर। इक्वल टू ए। ठीक है सही है? हाँ सर बिल्कुल इसको मैं लिखूंगा ए आर की पावर क्यू माइनस वन माइनस इक्वल टू बी। बी। हाँ सर वही। अच्छा क्यू माइनस इसको ठीक लिखूंगा ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन, ओ हो। ठीक है है। एक सेकंड इक्वल टू सर सी। अरे पी एथ टर्म आर। में, एंथ टर्म में एन माइनस वन होता है, तो पी एथ में पी माइनस वन, क्यू हाँ एथ में सर क्यू माइनस वन, आर एथ में आर माइनस वन। ठीक है कि नहीं है? अच्छा ठीक। नहीं है ठीक। समझ गया समझ गया। ओके बन अच्छा हाँ जाएगा। हाँ समझ गया सर। अब हाँ तुमको क्या चाहिए है, नाउ ये लेके आना है, तो एल एच एस पकड़ो बेटा। बेटा एल एच एस कितना है, ए की पावर क्यू माइनस आर बोलो हाँ, हाँ सर इंटू बी की पावर आर माइनस पी। ठीक है? यस सर। इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर हाँ सर बेटा? ये बता, ए की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल ए की पावर, कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस वन है कि नहीं है? हाँ बी की वैल्यू कैपिटल ए आर की पावर क्यू माइनस वन है कि नहीं है? है सर तो देख ए इतना है कि नहीं है, यस सर। इसकी होल पावर कितनी चढ़ी है, क्यू माइनस आर चढ़ी कि नहीं क्यू चढ़ी, माइनस इसकी होल पावर आर माइनस पी चढ़ी है, सर क्यू माइनस आर लिखा आपने। हाँ क्यू माइनस आर है ना पावर में, ये देखना पावर में क्यू अच्छा क्यू हाँ हाँ माइनस आर सर बोल रहा है, बी की पावर में आर माइनस पी, हाँ है ना। क्यू माइनस आर। हाँ सर और सी क्या है, सी ओ सर ए हमारा ए आर आर की पावर आर माइनस वन पावर आर है माइनस वन। और उसकी हाँ होल सर पावर पी माइनस क्यू, यही है लेफ्ट पी हैंड साइड। माइनस क्यू। हाँ सर हाँ और सर हमको इसको क्या लेकर के आना है, हमको इसको लेकर के आना है ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल, यही ना बेटा हाँ सर कि नहीं? यस सर यस सर। चलो ठीक है। तो देखो भैया ये मैंने यहाँ पे ले आए हैं, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा? हाँ सर अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो आ जाओ भैया मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो बेटा ये सबसे पहले पावर के रूल होता है, ए इंटू बी की पावर एम का रूल होता है, ए की पावर एम बी की पावर एम, होता है कि नहीं होता? हाँ सर तो अलग अलग कर लूँ पावर, जोर से बोले यार। हाँ हाँ सर हाँ तो सर ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू आर की पावर पी माइनस वन की होल पावर क्यू माइनस आर, देख मैंने पावर अलग अलग कर ली कि नहीं कर ली, ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस वन की होल पावर आर माइनस पी बोलो हाँ, अच्छा हाँ सर इंटू ए की पावर पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू इंटू आर की पावर आर माइनस वन आर की माइनस पावर वन पी की माइनस पी क्यू, बोलो माइनस यस और क्यू नो। यस सर। अब ए वाले टर्म साथ में ले लो, बेस सेम होता तो एक पावर ऐड सेकंड हो जाती है, हाँ सर तो ए की पावर क्यू माइनस क्यू आर माइनस प्लस आर आर प्लस माइनस आर पी माइनस प्लस की पी पी माइनस प्लस क्यू, पी बोलो माइनस हाँ है ना, क्यू यस सर। आर से आर कैंसिल पी से पी से पी पी कैंसिल माइनस क्यू से प्लस क्यू 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 भी कैंसिल, कैंसिल हो और गया। क्या मर मर तो गए, देखो ना माइनस क्यू प्लस क्यू, देख लिया देख लिया। ये हाँ सर देखो भाई
कर चले हम फिर। ओ क्लियर? के तो आसम। ए की पावर 0 1 हो जाएगा। हाँ हाँ अब ऐसे ही बेटा आर की पावर में, अब ये देखो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि रूल होता है ए हाँ की हाँ बिल्कुल पावर सर, एम की पावर एन इक्वल टू ए की पावर ये तो एम प्रिंसिपल इंटू होमोजेनिटी एन जैसी चीज हो गई। हो जाएगा। हाँ और सर ये भी लड़ मर के सबके सब 0 हो जाएंगे, समझ गए? वही लग रहा है। हाँ सर तो आंसर कितना आ गया? 1। वन। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर हाँ, अब इनसे थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें 4 टर्म मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, पी माइनस हाँ वन वही, इंटू अभी क्यू इसको माइनस वन, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऐसे ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे ये मल्टीप्लाई होगा, अंततः सब लड़मर के 0 हो जाएंगे। क्लियर? सब मतलब ये हुआ ना, पी ए माइनस पी आर, फिर वन का भी ए से, पी फिर क्यू माइनस माइनस आर, पी आर होगा, पी ए नहीं है वो, ए क्यू पी है क्यू, वो, अच्छा पी ए, अच्छा पी मेरे को ए क्यू। निकला, सॉरी पी क्यू माइनस पी आर, हाँ, फिर माइनस माइनस ए माइनस क्यू प्लस प्लस का आर, आर। ओके ओके समझ गया पूरा, कर दूँ क्या सबको? उसमें भी सेम चीज़। नहीं नहीं समझ गया समझ गया, पूरा समझ गया, ठीक हो है, जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए टू द पावर एन प्लस वन बी टू द पावर प्लस इतना 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 मे बी ज्योमेट्रिक मीन। मतलब भाई साहब, इनका कहना है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन जी। और जी आपको पता है दो भी नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। होता है कि नहीं होता? हाँ सर नहीं होता क्या? हाँ तो चलिए, इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन जी, यानी ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू अंडर रूट अंडर ए रूट बी ए बी। मीन्स। हाँ सर इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी की पावर 1/2, लिख सकता हूँ हाँ सर रूट ए बी को, यानी ए की पावर एन प्लस वन, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन, बेटा इसको मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ, और सबसे पहले मैं रूट ए बी को लिख सक देता हूँ, ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। सर। हाँ बोलो हाँ ठीक है बेटा? यस सर यस सर। क्योंकि होल पावर 1/2 बन जाएगा ये, हाँ हाँ सर इसको हटा के लिख सकता हूँ होल पावर 1/2, और पावर खुल जाएगी तो दोनों को मिल जाएगी, और इंटू ए की पावर एन प्लस बी की पावर प्लस ए एन। की ठीक बी है की बेटा, पावर एन। हाँ सर चलो देखो इसको ओपन कर दो। ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, बेटा आराम आराम से देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर तो ए की पावर एन प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2 वैसे का वैसे ही बैठा रहेगा। क्लियर? हाँ सर और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ रहे हो जाएगा, तो ए की पावर 1/2 वैसे रहेगा और दोनों के बेस सेम, तो पावर एड बी की पावर एन प्लस 1/2। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। अब ए वाली पार्टी को ए की तरफ और बी वाली पार्टी को बी की तरफ कर लो बेटा। तो ए की पावर एन प्लस वन है हाँ सर माइनस ए की पावर एन प्लस 1/2 बी की पावर 1/2। ठीक है बेटा? यस सर और यहाँ पे बेटा ए की पावर 1/2 बी की पावर एन प्लस 1/2 माइनस बी की पावर एन प्लस वन। ठीक है? श्योर नहीं है क्या? हाँ सर हाँ हाँ चलो अब बहुत गंभीरता से देखना, कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है ना? हाँ सर श्योर? देखो ए की पावर एन प्लस 1/2 एन प्लस वन को क्या आप ए की पावर एन प्लस आधा लिख सकते हो? आधा आधा एक हो जाएगा। अच्छा हेलो, सर नहीं लिख नहीं समझा सकता? सर नहीं समझा सर। एन प्लस वन है, हाँ 1 को आधा प्लस आधा लिख सकता है, हाफ एंड हाफ, ठीक है। हाँ सर हाफ प्लस हाफ, हाँ या ना? अच्छा ठीक है सर माइनस ए की पावर एन प्लस 1/2 इंटू बी की पावर वन ओके बाई टू ठीक है सर। क्लियर? हाँ सर हियर यहाँ पे ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर एन प्लस 1/2 माइनस बी की पावर एन प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है सर। अगर मैं श्योर ए की पावर एन प्लस 1/2 कॉमन ले लूँ, क्योंकि देखिए इसके पास भी हाँ है, हाँ सर इसके समझ पास भी गए है, तो ए की पावर एन प्लस 1/2 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो ये केवल बचेगा ए की पावर 1/2, क्योंकि देखो बेस सेम, पावर एड हो जाएगी, हाँ सर यस सर तुम 1/2 मत छोड़ देना, ए की पावर में छूटेगा 1/2। क्लियर? हाँ सर नहीं समझे? नहीं सर तो हाँ सर क्यों बोल रहे हो? नहीं समझे। देखो ए की पावर एन प्लस 1/2 कॉमन लिया हाँ तो ए की पावर 1/2 अंदर छोड़ेगा कि 1/2 छोड़ेगा? सर 1/2 इसके लिए तो वैलिड है सर, लेकिन उसके लिए
कैसे वैलिड है बेटा? कंफ्यूज हो रहे हो, सही से ही नहीं बता रहे हो, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। सर ये इसके लिए। अच्छा हाँ, फर्स्ट सॉरी, भाई समझ गया हाँ, देखो, समझ गया सर। हाँ अगर तुम्हारे पास अगर एक्स की पावर ए प्लस इंटू एक्स की पावर बी होता है, क्लियर, हाँ तो सर, एक्स की पावर ए प्लस बी बन जाता है, बोलो हाँ। हाँ सर, तो एक्स की पावर ए अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर एक्स की पावर बी ना बचेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, तो ऐसे ही वहाँ पे भी तो हो रहा है। ओके सर, फिर से लाता हूँ स्क्रीन पे, ये हमारा टर्म है लास्ट का, ठीक। हाँ सर, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक ही पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लूँ, ठीक है, हाँ सर, इतना हाँ पार्ट सर, पावर में, तो अंदर क्या छूटेगा? a1/2, एक ही पावर वन बाई टू, बिल्कुल सही। और ये भी बाहर आ गया तो माइनस बी की पावर वन बाई टू, क्लियर कि माइनस नॉट b की क्लियर? पावर 1/2, हाँ सर, इक्वल टू, इधर से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा? बी की पावर एन प्लस वन बाई b टू, की पावर n+1/2, ठीक है ना? हाँ सर, तो क्या छूट गया? एक ही पावर वन बाई टू e की पावर 1/2, माइनस, बोलो छूटा कि नहीं छूटा? b की, हाँ सर, पक्की बात? यस सर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हाँ सर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना? यस सर, यस, या ना भी करना हो तो एक काम करो, एक ही पावर एन प्लस वन बाई टू डिवाइड बाई बी की पावर एन प्लस वन बाई टू। मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाती? डिवाइड में आती कि नहीं आती? हाँ सर, तो ये देखो, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, यस सर, इधर क्या बच गया? एक ही पावर वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई टू, और इधर वाला ये पार्ट नीचे चला जाएगा, यस सर, क्लियर। इससे ये क्या हो गया? यस सर, कैंसिल। कैंसिल, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी होल टू द पावर एन प्लस वन बाई टू, बोलो ये सुनो, हाँ सर, इक्वल टू वन, क्लियर। यस सर, तो बेटा जी, मेरे को ए प्लस बी की पावर एन प्लस वन बाई टू है। बेटा वन मतलब क्या, मैं किसी की पावर जीरो कर सकता हूँ? कर सकते हो, क्योंकि ए बाई बी की पावर जीरो ही तो वन मिलेगा, हाँ या ना? हाँ तो यदि मैं हाँ एन प्लस वन बाई टू को कंपेयर करूँगा तो जीरोस करूँगा कि नहीं करूँगा? करोगे सर, तो एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, यानी एन इक्वल टू कितना? n=2 हो जाएगा माइनस, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? -1/2 n+1, क्लियर? हाँ जी, हाँ समझ गया समझ गया, हाँ वो पावर पावर = 2, ठीक है, ठीक है सर, हाँ सर, तो आंसर इसका माइनस हाफ आएगा। ये क्वेश्चन आपका करना श्योर बहुत जरूरी है।